तो इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सियासत तेज हो चुकी है। अब कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार पर कराएंगे FIR। तो वही सरकार द्वारा मौतों के झूठे आंकड़े पेश करने की यहां पर शिकायत करेंगे वे, साइबर थाने में पेश करेंगे मौतों के आंकड़े। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, कोरोना से मौत के आंकड़ों पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। अब कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार पर FIR दर्ज कराएंगे, सरकार द्वारा मौत के झूठे आंकड़े पेश करने की करेंगे शिकायत, साइबर थाने में पेश करेंगे मौतों के आंकड़े। तो बताते हैं आपको, कोरोना से मौत के आंकड़ों पर अब सियासत तेज हो गई है मध्य प्रदेश में। ऐसे में कांग्रेस नेता अब साइबर थाने में जाके इसके लिए शिकायत दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज करेंगे। तो वहीं उनका आरोप है कि सरकार ने कोरोना से मरने वालों के झूठे आंकड़े पेश किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त राजधानी भोपाल से, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब सियासत शुरू हो चुकी है मौत के आंकड़ों को लेकर। और ऐसे में कोरोना से मौत के आंकड़ों को छिपाने को लेकर ये सियासत चल रही है। इसके पहले कल कमलनाथ पर भाजपाइयों ने FIR दर्ज कराई थी, तो वहीं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर के दीक्षित जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। के जी, आप जानना चाहेंगे, यहाँ पर लगातार यहाँ पर सियासत तेज होती जा रही है, ऐसे में कमलनाथ के ऊपर कल FIR हुई थी, लेकिन अब जो है कांग्रेसी भी उसी राह पर चल पड़े हैं और ऐसे में आज वे साइबर थाने जाकर FIR दर्ज कराने वाले हैं। क्या लगता है कि राजनीति कहाँ जा रही है कोरोना के संकट काल में? देखिए अनन्या, मैं आपको बता दूं, मध्यप्रदेश की सियासी घमासान में लगातार नजर रखे हुए कांग्रेस एक घर आगे चली है। उन्होंने रणनीति तैयार की है कि उनकी 5 सदस्यीय कमेटी जो है वो FIR कराने जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जहां भाजपा ने जो है भाजपा के नेताओं ने कल FIR का आवेदन दिया था, शाम तक FIR हो गई। भाजपा उससे एक कदम और आगे चल चुकी है, जहां युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में कमलनाथ का पतला धन करेगा। भाजपा कार्यकर्ता जिला भाजपा कमेटी जो है प्रत्येक थाने में FIR करेगी। उसके बाद कांग्रेस ने निर्णय लिया है, कांग्रेस के जो लीगल सेल के तमाम जो नेता हैं उन्होंने तय किया कि आखिरकार सरकार के खिलाफ भी FIR होना चाहिए। कमलनाथ के खिलाफ जो FIR हुई है उसका पलटवार की तैयारी एक तरह से अनन्या कांग्रेस करने जा रही है। 12 बजे उनको FIR करने पहुंचना है। अब पहले तो आवेदन दिया जाएगा, आवेदन के बाद जो है उसका एक तरह से समीक्षा की जाती है और उस आधार पर क्या उसमें कंटेंट दिए गए हैं उस आधार पर FIR के बारे में तय होगा। लेकिन ये तो तय है कि कांग्रेस वहाँ FIR करने पहुँच रही है। इसमें जीतू पटवारी हैं, PC शर्मा हैं, तमाम वो नेता हैं जो इस कांग्रेस के महामंत्री राजीव सिंह भी इसमें रहेंगे। अनन्या जी, गिरिजा, अगर देखा जाए यहाँ पे तो जिस तरीके से इस वक्त कोरोना संकट काल चल रहा है, क्या लगता है मौत पे राजनीति वही मध्य प्रदेश में सही है? क्योंकि जहां एक ओर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीति जो है कहीं ना कहीं संकट काल में सवाल उठाती है कि कहां जा रही है मध्य प्रदेश की राजनीति। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना संकट काल में जिस तरह से राजनीति उफान पर आई है और खासकर मौत के आंकड़ों को लेकर जो राजनीति चल रही है उसको सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा तो नहीं माना जा रहा है। लेकिन बैठे ठाले भाजपा को जहां एक मुद्दा मिला है तो कांग्रेस के लिए भी एक मुद्दा कम नहीं है, क्योंकि ये बयानवीरों की जो बयानबाजी हुई है इसको लेकर भाजपा ने जहां एक कदम आगे बढ़ाया था अनन्या, अब कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर इस राजनीतिक रणनीति को देखा जाए तो भाजपा फिर भी कांग्रेस से बहुत आगे है। कांग्रेस के अब नेता जागे हैं, जबकि कल से परसों से लगातार जो है भाजपा आक्रामक रवैया अपनाए हुए, चाहे BD शर्मा की बात कर लें प्रदेश अध्यक्ष, चाहे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात कर लें, चाहे सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया की बात कर लें, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की बात कर लें, इन सारे तमाम नेताओं ने लगातार हमला किया है कांग्रेस पर और कमलनाथ पर। लेकिन कल जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की बात करी, 188 और 54 के तहत देर शाम तक जो है कमलनाथ पर मुकदमा दायर हुआ, उसके बाद कांग्रेस चेती, कांग्रेस ने अब जो है FIR कराने की तैयारी की। अनन्या जी, धन्यवाद कीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त राजधानी भोपाल से, जहां पर कोरोना के से मौत के आंकड़ों को लेकर जो है अब राजनीति शुरू हो गई है। और ऐसे में कोरोना से मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप यहां पर कांग्रेस लगातार सरकार पर लगा रही है। ऐसे में कल जो है देशद्रोह की बात या फिर एक बयान पर जो है भाजपा ने कमलनाथ के ऊपर FIR दर्ज कराई थी, लेकिन अब जो है कांग्रेस भी उसी राह पर निकल पड़ी है। और आज 12 बजे जो है तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है
पांच सदस्यीय कमेटी को लेकर साइबर थाने जाएंगे और यहां पर भाजपा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त राजधानी भोपाल से। कोरोना से मौत के आंकड़ों पर अब सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर अब एफआईआर दर्ज कराएंगे, तो वहीं मौत के आंकड़ों को छुपाने का आरोप यहां पर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर लगा रही है। तो एक और